इसराइल हमास के युद्ध ने एक नए युद्ध को जन्म दे दिया है। इस युद्ध ने लाल सागर में जन्म लिया। हम बात कर रहे हैं हूती विद्रोहियों और हूती विद्रोहियों से लड़ रहे दुनिया के सुपर पावर देशों की। ये देश हूती विद्रोहियों पर ताबड़तोड़ मिसाइली हमले कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इनके आतंक को खत्म करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मंटू और आप देख रहे हैं खबर फास का डिजिटल प्लेटफॉर्म। यमन के ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों ने खुलेआम हमास का समर्थन किया है और समुद्र में उन जहाजों को निशाना बना रहे हैं जो या तो इजराइल जा रहे हैं या जिनका इजराइल से किसी तरह का संबंध है, जिससे नाराज हुए अमेरिका और ब्रिटेन हूतियों के ठिकानों पर लगातार हमले कर रहे हैं। तो वहीं नवंबर से लेकर अभी तक हूती विद्रोही 30 जहाजों को अपना निशाना बना चुके हैं, लेकिन अमेरिका के ताबड़तोड़ मिसाइलों के हमले के बावजूद हूती विद्रोहियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। यहाँ तक कि हूतियों से निपटने के लिए 10 देश एक साथ आए हैं और एक टास्क फोर्स का भी गठन किया है, जिसमें अमेरिका के अलावा यूके, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, स्पेन और नीदरलैंड देशों की सेनाएं हूतियों के खिलाफ लड़ाई में साथ आई हैं। इन सब ताकतों का एक साथ आने के बाद भी यमन विद्रोहियों के आतंक को जड़ से खत्म करना मुश्किल हो रहा है। हूतियों के विद्रोह के दो हिस्से हैं, एक तो इरादा और दूसरा है क्षमता। हूतियों का कहना है कि उनके हमले फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता जताने के लिए हैं। उन्होंने दिसंबर में चेतावनी भी दी थी, अगर इजराइल ने गाजा पट्टी में लड़ाई फिर से शुरू की तो वे इजराइल पर मिसाइली हमला करेंगे। इसी सिलसिले में वो लाल सागर और अदन की खाड़ी से होने वाले व्यापार को चोट पहुंचा रहे हैं। उनका कहना है कि वो इजराइल में संबंधित जहाजों को अपना निशाना बना रहे हैं, लेकिन वो इजराइल को समर्थन देने वाले अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों से संबंधित जहाजों पर भी हमला कर रहे हैं। इन हमलों का असर ग्लोबल इकोनॉमी पर भी दिखने लगा है। अब अगर बात करें उनकी क्षमता की, तो यमन के खिलाफ लड़ रही अंतरराष्ट्रीय टास्क फोर्स ने हाल ही में यमन में कई हूती ठिकानों पर हमला किया था। इन पर हूती सेना के प्रवक्ता याहया सरिया ने कहा था कि हमलों का जवाब दिया जाएगा। वहीं अमेरिका के सुरक्षा विभाग का आरोप है कि हूतियों की बढ़ती सैन्य क्षमता के पीछे ईरान का हाथ है। दावा किया जा रहा है कि ईरान उपकरण, ट्रेनिंग, खुफिया जानकारी और पैसों से हूतियों की मदद कर रहा है। वहीं ईरान इन आरोपों को खारिज करता रहा है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की कुर्दिश फोर्स हूतियों की मदद कर रही है। IRGC ईरान की पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसके पास अपनी थल सेना, वायु सेना और नौसेना तक है। कुर्दिश फोर्स इसी विभाग की एक शाखा है। कुर्दिश फोर्स का नाम दुनिया की आतंकवादी गतिविधियों में आता रहा है। कहा जाता है कि ये उन आर्म्स गार्ड्स को ट्रेनिंग, फंडिंग और हथियार देता है जो अमेरिका, इजराइल जैसी ईरान के दुश्मन देशों के खिलाफ हमले करते हैं। यही वजह है कि सुपर पावर देशों के लिए इन्हें हराना मुश्किल हो रहा है। अब देखना होगा कि इस लड़ाई में कामयाब ये सुपर पावर देश होते हैं या हूती विद्रोही। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म।